फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हो लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जैसे रोड नंबर 56 है या NH 24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी रायट गियर के साथ इंजाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है ताकि किसी किस्म का इंग्रेस दिल्ली में ना हो सके। सर, अगर मान लीजिए जैसे 26 जनवरी को हुआ था, किसान आंदोलित हो गए थे, उस तरह का अगर कोई घटना होती तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है? जैसा आपने देखा होगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कंटिन्यूस 26 जनवरी के बाद भी चल रही है, बल्कि और पुख्ता भी की गई है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। और इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये पीसफुल रहेगा ड्रोन वगैरह से भी मॉनिटरिंग की जा रही है? जी। तमाम जगहों पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है जिससे एक एरियल व्यू बहुत ही बड़े इलाके का मिल जाता है। साथ में CCTV जो कैमरे हैं वो भी सेंसिटिव जगहों पे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी वगैरह का भी इंजाम सब कुछ है। इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर जब होती है तो उसमें जिस तरह की व्यवस्था पुलिस करती है वो तमाम व्यवस्थाएँ हम लोगों ने कर रखी है। अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना? अभी तक कहीं से किसी तरह का रोड ब्लॉक करने की किसी कोशिश का भी ईस्टर्न रेंज के अंदर में कोई सूचना नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।